फरीदकोट के गांव बिल्लेवाला में बीते दिनों मोहकम सिंह का कत्ल हो जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीश सिंह उर्फ दिशा मोहकम सिंह के सीरी का काम करता था। पिछले कुछ दिनों से जगदीश सिंह मोहकम सिंह से 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। पैसे उधार ना मिलने पर जगदीश सिंह ने नरमा इकट्ठा करने वाले हथियार से मोहकम सिंह के सीने पर वार किया, जिसके चलते मोहकम सिंह की मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीएसपी इन्वेस्टिगेशन संजीव कुमार ने कहा कि जगदीश सिंह 1999 में पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ था और ड्यूटी से अक्सर गैर हाजिर रहने के चलते उसे 1992 में डिसमिस कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जगदीश सिंह ने एक बार अपनी पत्नी के सिर पर वार करके सिर को फाड़ दिया था और एक बार उसने अपने लड़के को भी पीटा था, जिससे उसकी आंख की रोशनी चली गई थी। उन्होंने कहा कि मुजरिम को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई और मुजरिम जगदीश सिंह को हथियार सहित काबू कर लिया गया है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मानयोग एसएसपी साहब श्री वरुण कुमार, आईपीएस एसएसपी साहब फरीदकोट जी के दिशा निर्देशों के तहत कल शाम का ये वाकया हैगा पिंड बिल्लेवाल का, जिथे कि महकम सिंह सन ऑफ सुखदेव सिंह का कतल उन्होंने घर में जिहड़ा 4-5 साल तो जिहड़ा काम कर रहा सीगा जगदीश उर्फ दिशा पुत्र बेअंत सिंह, इन्हें उन्होंने जिहड़ी होंदी है कॉटन की जी हों खेती करने वाला जो रूई में चकते हैं नगिंदते चक्कर लिए एक ढींगा टाइप हथियार होंगे वो मार के उन्हें कतल किया। मुढ़ला कारण यह कि भी ये पिछले 4-5 साल तो उन्होंने घर में काम भी कर रहा है तो उन्होंने रोटी पानी भी उन्होंने देंगे, लेकिन इन्हों का कुछ पैसों तो लैन देन तो झगड़ा होया जिदे तो 30,000 रुपया मंगता सगा तो ही इन्हों की खैबाजी हुई है तो वो तो इन्हों का झगड़ा होया।